दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर के बारे में इसे हम यूनिवर्सल बेवल प्रोट्रैक्टर के नाम से भी जानते हैं यह है स्टेनलेस स्टील का बना होता है इसका मेन कार्य होता है वर्क पीस या जॉब के एंगल को मेजर करना या एंगल को टेस्ट करना पांच मिनट की एक के साथ पांच मिनट इसका क्या है लिस्ट काउंट होता है वो भी जानेंगे कि कैसे इसमें फाइंड आउट करते हैं इसका लिस्ट काउंट उसके बाद अगर बात करते हैं इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं सबसे पहले बात करते हैं इसमें ये जो स्टॉक होता है स्टॉक की मदद से हम स्टॉक को होल्ड करते हैं हाथ में उसके बाद हम ये जो स्लाइडिंग ब्लेड है इसको हम मूव करवा सकते हैं आगे या पीछे की तरफ इस ग्रूव में ये जो नट है ये स्लाइड करेगा और ये जो सर्कुलर स्वीवल डिस्क है ये रोटेट करती है किसी भी एंगल पर जब हमें इसको सेट ना होता है तो जो स्टॉक के साथ ये जो वर्किंग एज लगा हुआ है इसे हम रखते हैं वर्कपीस के साथ अटैचमेंट के साथ और फिर एंगल को मेजर किया जाता है उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें ये मेन स्केल है प्रोट्रैक्टर डायल जिसे हम कहते हैं मेन स्केल पर टोटल 360 डिग्री होता है और 360 डिग्री को चार क्वाड्रेंट में बांटा जाता है प्रत्येक क्वाड्रेंट में 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में मार्किंग की जाती है हर दस डिग्री के बाद जो मार्किंग है वो दर्शाया जाता है अगर आप यहाँ पर देखें जीरो के बाद दस बीस तीस चालीस पचास साठ सत्तर अस्सी नब्बे फिर वो जीरो से शुरू हो जाएगा तो इस प्रकार तीन सौ साठ डिग्री को चार क्वाड्रेंट में बांटा गया है उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्लाइडिंग ब्लेड की ये जो स्लाइडिंग ब्लेड है बिल्कुल एडजस्टेबल है आवश्यकता के अनुसार हम इसे चेंज कर सकते हैं जैसे ये आपको 150 मिलीमीटर mm पचास का नज़र आ रहा है तो यहाँ पर दूसरे भी अवेलेबल हैं 200 मिलीमीटर mm मिली में 300 मिलीमीटर mm मिली में ये हमें अवेलेबल हैं उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो ब्लेड लॉकिंग नट है ये बेसिकली जो स्लाइडिंग ब्लेड है इसकी पोजिशन को लॉक करने में ये प्रयोग होता है यहाँ पर वर्नियर स्केल आपको नजर आ रहा है वर्नियर स्केल में अगर हम देखें ये टोटल इसमें बारह डिवीजन होती हैं और एक डिवीजन पांच मिनट को दर्शाती है क्योंकि एक डिग्री में टोटल साठ मिनट होती हैं तो जो बारह डिवीजन इसमें हैं तो वो टोटल साठ मिनट को दर्शाती हैं लेकिन एक सिंगल डिवीज़न पाँच मिनट के लिए पाँच मिनट को इंडिकेट करती है जैसा आप इस डायग्राम में अगर आप यहां पर देखें कि इस जीरो से लेफ्ट साइड में भी बारह डिवीजन है जीरो से राइट साइड में भी बारह डिवीजन है तो देख सकते हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तो ये जीरो से बारह मतलब वर्य स्केल पे बारह डिवीजन है उसको फिर से रिपीट किया गया है और इस प्रकार अगर हम लिस्ट काउंट इसका फाइंड आउट करें क्योंकि जो मेन स्केल पे जो एक डिवीजन है जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो एक डिग्री को इंडिकेट करती है और वर्नियर स्केल पे टोटल डिवीज़न कितनी है बारह एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं साठ साठ को बारह से डिवाइड करें तो पाँच मिनट ये इसका लिस्ट काउंट है मतलब कि लिस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट का वो मिनिमम मेजरमेंट है जो हम माप सकते हैं मत इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो मिनिमम एंगुलर मेजरमेंट है वो हम पाँच मिनट की कर सकते हैं उसके बाद है ब्लेड लोकिंग नट की हमने बात कर ली है एंगल लोकिंग नट कि यहां पर ये जो सर्कुलर स्वीवल डिस्क है ये रोटेट करती है जिसे हम जहां चाहे उसको रोक सकते हैं एंगल लॉकिंग स्क्रू की मदद से या एंगल लॉकिंग नट की मदद से लॉक कर सकते हैं पोजीशन को और यहां पर वर्नियर स्केल हमने अभी डिस्कस किया था अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जो मेजरमेंट है वो किस प्रकार से ली जाती है यहां पर अगर आप देखें यहां पर एक्यूट एंगल को मेजर किया जा रहा है एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से कम होता है तो ऐसे एंगल को मेजर करने के लिए एक अलग से एक्यूट एंगल अटैचमेंट का इस्तेमाल किया जाता है जिसे यहां पर माउंट किया जाता है यो ये जो यहाँ पर रखी हुई है इसको यहां पे लगाया जाएगा जैसा आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है तो इस प्रकार से हम एक्यूट एंगल को मेजर कर सकते हैं यहां पर ऑब्ट्यूज एंगल की मेजरमेंट की जा रही है अब बात आती है कि जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है इसमें जो रीडिंग है वो किस प्रकार से ली जाती है तीन स्टेप होते हैं इसमें रीडिंग को लेने के बेसिकली इसमें जो मेथड हम फॉलो करते हैं रीडिंग लेने का वो वर्नियर कैलिपर की तरह ही होता है सबसे पहले हमें क्या है कि फाइनल रीडिंग लेने के लिए हमें दो रीडिंग चाहिए पहली रीडिंग हमें मेन स्केल से मिलेगी और दूसरी रीडिंग हमें वर्नियर स्केल से मिलेगी तो पहली रीडिंग हम कैसे लेंगे कि जब हम किसी भी स्पोज़ करो जैसे हमने एक वर्क पीस को इसके अंदर रखा है उसके बाद हम रीड करते हैं कि मेन स्केल पे हमारी रीडिंग कितनी आई है वो कहाँ से कहाँ तक मेज़र करते हैं जीरो जो मेन स्केल पर जीरो है और वर्नियर स्केल के बीच में जो जीरो है उसके बीच में जो टोटल नंबर ऑफ डिग्री कितनी हमने कवर की हैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं कि सपोज करो कि सेवेंटी डिग्री हमारा आ जाता है मेन स्केल पर हमारी जो रीडिंग है वो 72 टू डिग्री आती है उसके बाद हम उसी डायरेक्शन में आगे जाएंगे और वर्नियर स्केल से जो जीरो है वर्नियर स्केल की जो जीरो है उससे आगे देखेंगे कि वर्नियर स्केल की वो कौन सी डिवीजन है जो मेन स्केल की डिवीजन के साथ आपस में कंसाइड कर रही है जैसा हम वर्नियर कैलिपर में देखते हैं तो मान लीजिए कि वो सिक्स डिवीजन है वर्नियर स्केल की जो मेन स्केल की डिवीजन के साथ कंसाइड कर रही है पहली रीडिंग आई हमारी बहत्तर डिग्री दूसरी जो हमारे पास डिवीजन आई छठी डिवीजन आई वर्नियर स्केल की तो सेकंड रीडिंग क्या होगी जो डिवीजन कंसाइड हो रही है मेन स्केल के साथ उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे पाँच मिनट के साथ पाँच मिनट क्या है इस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट है तो छः को पांच मिनट से मल्टीप्लाई किया तो थर्टी गया हमारे पास तो फाइनल रीडिंग अब क्या होगी फाइनल रीडिंग होगी पहली रीडिंग प्लस सेकेंड रीडिंग पहली रीडिंग क्या बहत्तर डिग्री जो मेन स्केल से आई प्लस थर्टी मिनट तो कितना हुआ टोटल हमारा मेजरमेंट बहत्तर डिग्री तीस मिनट इस प्रकार से इस पर जो रीडिंग है वो ली जाती है अगर आप यहां पर भी देखें कि अलग अलग तरीकों से इसको यूज़ किया गया है अलग अलग वर्क पीस के सेप पर कि कैसे वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर को इस्तेमाल किया जाता है अब अगर हम बात करें इसके अतिरिक्त कि जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है इसका मेन कार्य तो यही है कि जो वर्कपीस या जॉब हमारे पास है उस पर जो एंगल्स हैं उसको हमने मेज़र करना है एक एक्यूरेसी के साथ मेज़र करना है जो एक्यूरेसी क्या है पाँच मिनट की है अगर डिग्री में इसको कन्वर्ट करते हैं वो जीरो दशमलव जीरो आठ तीन डिग्री बनती है या फिर वन बाई ट्वेल्थ बनता है जैसा हम यहाँ पर इस पर दिखाया गया है स्टेनलेस स्टील का इसका मटेरियल होता है और यहाँ पर ये ये जो नट आपको नज़र आ रहा है ये इसकी जो फाइन एडजस्टमेंट हमें करनी है तब इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और यहाँ पर ये जो ग्रूव है तो इस ग्रूव में क्या होता है कि जो स्लाइडिंग ब्लेड है वो आगे या पीछे वो स्लाइड करता है और हम क्या कर सकते हैं कि इसको लूज़ करके या और इसको टाइट कर दें या इसको लूज कर दें तो उससे क्या होगा कि इन दोनों यूनिट्स को भी हम इकट्ठे क्या है स्लाइड करा सकते हैं एक ये दोनों रोटेट भी कर सकते हैं अब बात आती है कि जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं जो मशीन सॉप वर्क होती है वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के बारे में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ स्टूडेंट्स के साथ और जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन शुभ रहे